आज मैं आपके लिए फिर से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। ऐसे कीवर्ड्स लेके आया हूँ जिनका कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब लो कंपटीशन कीवर्ड्स है, हाई सीपीसी है और फ्रेंड्स उनकी जो मंथली सर्चिज है वो बहुत ज़्यादा है। आपने मेरे थंबनेल में देख लिया होगा, 18 लाख से भी ज़्यादा उसकी मंथली सर्चिज है। अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो फ्रेंड्स आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ कीवर्ड से रिलेटेड कि लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स कौन कौन से है। तो मैक्सिमम मेरे पास कमेंट्स आता है कि भाई कीवर्ड तो आपने बता दिए, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको वो भी बताऊंगा, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करी है। मे भी शायद आपने वो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, प्लस वो वीडियो भी बताऊंगा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एक कीवर्ड मिलने के बाद आपको किस तरह से पोस्ट लिखनी चाहिए और उस कीवर्ड की प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए जिससे आपका वो गूगल के अंदर जल्दी से जल्दी रैंक करे। ये सब कैसे होगा वो तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चल के बताऊंगा, पर उससे पहले हमेशा की तरह एक बात बोलूंगा, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं हूं वेदांत और वेलकम है आपका टेक्नो वेदांत चैनल में। अब मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूं। हमेशा की तरह आज भी मैं दो कीवर्ड प्लानर टूल को यूज़ करूंगा, एक गूगल का, दूसरा है कीवर्ड किग। आप अपने हैंड से किसी भी कीवर्ड प्लानर टूल को यूज़ कर सकते हैं, वेरिएशन हो सकती है, 19-20 का फ़र्क हो सकता है, पर मेजर डिफरेंस बिल्कुल नहीं होगा। अब मैं सबसे पहला कीवर्ड आपको बताता हूं जो बहुत ही लो कंपटीशन है और उसका सीपीसी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, प्लस मंथली सर्चेज भी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ पर है गुड नाइट फोटोज़, गेट रिजल्ट के ऊपर मैंने क्लिक करा और ठीक यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैं यही करूँगा, गुड नाइट फोटोज़, और इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक करा। आप देखेंगे गूगल का जो कीवर्ड प्लानर टूल है, आप देखेंगे ऊपर मैंने यहाँ इंडिया सेलेक्ट करा है, इंग्लिश और गूगल रिजल्ट ही रहने दिया है। और ये बार मैं फिर बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये बार मैंने एक बार जैसे भी गुड नाइट फोटो मैंने सर्च करा है तो एक बार मैंने यहाँ पे 8-9 कीवर्ड्स को सर्च करा, यहाँ पे मैंने लिस्ट डाल दी 8-9 कीवर्ड की, उसके बाद से मेरा ये बार आने लग गया। ये लास्ट में आप देखेंगे दिसंबर 2018 से नवंबर 2019 यहाँ पे ऊपर मेंशन कर रहा है, इसलिए मेरा ये बार यहाँ पे शो करता है। अब गुड नाइट फोटोज़ में देखेंगे फ्रेंड्स 2 लाख का यहाँ मंथली सर्चेज दिखा रहा है, कॉम्पिटिशन लो है और सीपीसी का आपको यहाँ पे आइडिया मिलेगा। इंडियन करेंसी के हिसाब से 16 रुपये से लेके आपको 80 रुपये तक, मतलब 81 रुपीज़ तक आपको उसका सीपीसी मिलेगा। ये एक वेरिएशन है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। अगर आप सिर्फ गुड नाइट इमेज करेंगे तो फ्रेंड्स उसमें आप देखेंगे 1 मिलियन तक इसकी मंथली सर्चेज है, कॉम्पिटिशन लो है, पर हाँ इसमें आपको सीपीसी नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैंने इमेजेस की जगह फोटोज़ ली है। और अगर ऐसी हम दूसरी वेबसाइट में भी देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे गुड नाइट फोटोज़ वॉल्यूम उतना ही शो कर रहा है जितना गूगल के अंदर शो कर रहा था 2,01,000 का, यहाँ पे भी आप देखेंगे 2,01,000 शो कर रहा है। सीपीसी इसका काफ़ी लो है, कंपटीशन यहाँ पे नील दिखा रहा है, मतलब टोटल 0 दिखा रहा है। और आप इसकी ट्रेंड देखेंगे फ्रेंड्स, ये कभी भी इतना डाउन नहीं होता, ये हमेशा ऊपर ही रहता है। इस कीवर्ड से रिलेटेड नीचे आपको और भी कीवर्ड मिलेंगे, आप एक पेज बना सकते हैं गुड नाइट फोटोज़ के ऊपर और उसके अंदर आप अपनी उस गुड नाइट से रिलेटेड फ़ोटोज़ डाल के ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी फ्रेंड्स आप देखेंगे पेज को जैसे ही नीचे करेंगे तो नीचे आपको हेल्पिंग कीवर्ड्स मिलेंगे, पर कीवर्ड में आपने एक खास ध्यान रखना है, उसका कंपटीशन लो होना चाहिए और सीपीसी में एटलीस्ट आपको कुछ सीपीसी उसमें ज़रूर मिले, मतलब यहाँ मेंशन होना चाहिए। आप चाहे तो इन कीवर्ड्स को भी यूज़ कर सकते हैं हेल्पिंग कीवर्ड्स की तरह, टाइटल में लेके नीचे आर्टिकल के बीच में भी लिख सकते हैं, क्योंकि इन कीवर्ड्स में भी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा। भले सीपीसी नहीं मिल रहा पर फ्रेंड्स आपको ट्रैफिक आएगा, और ट्रैफिक आने के बाद आपका जो मेन कीवर्ड है उस पर अगर क्लिक होता है आपकी ऐड के ऊपर तो आपको अच्छा खासा सीपीसी ज़रूर मिलेगा। अब चलते हैं हम अपने सेकंड लो कंपटीशन कीवर्ड की तरफ, वो है गुड मॉर्निंग फोटोज़। यहाँ गेट रिजल्ट पे क्लिक करा और ठीक ऐसे फ्रेंड्स मैं यहाँ पे भी सर्च करूँगा, और आप देखेंगे मैंने यहाँ नीचे कंट्री को इंडिया सेलेक्ट करा, लैंग्वेज इंग्लिश, और API में मैंने सिर्फ गूगल सेलेक्ट करा है। आप चाहे तो यहाँ से किसी और प्लेटफॉर्म को भी यूज़ कर सकते हैं। सर्च के ऊपर मैंने क्लिक करा, इतने में हम देखते हैं यहाँ पे कैसा रिजल्ट आ रहा है। आप देखेंगे गुड नाइट फोटोज़ जो है इसका जो मंथली सर्चेज आ रही है वो 5.5 लाख आ रही है, और कंपटीशन इसका लो है, प्लस सीपीसी इसका थोड़ा कम है फ्रेंड्स, स्टार्टिंग बिड इसकी बहुत कम जा रही है, पर इसमें भी जो हायर बिड है वो 81 रुपीज़ है। और आप इसका बार देखेंगे तो फ्रेंड्स इसका बार हमेशा ऊपर ही रहा है, इनफैक्ट लास्ट मंथ तक भी आप देखेंगे नवंबर तक इसकी कितनी अच्छी सर्चेज हो रही है। यहाँ से आप पेज को नीचे करेंगे तो आपको इससे रिलेटेड और कितने सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, और उनमें भी आप देखेंगे कंपटीशन ऑलमोस्ट सबका लो है। ठीक इसी तरह से अब हम दूसरी वेबसाइट के अंदर चेक करते हैं, यहाँ पे 5.5 लाख है तो यहाँ पे कितना दिखा रहे हैं वो चेक करेंगे। यहाँ पे भी आप देखेंगे फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग फोटोज़ जो है इसमें 5.5 लाख का इसका मंथली सर्चेज दिखा रहे हैं, सीपीसी 0.05 है, कॉम्पिटिशन इसका ऑलमोस्ट नील है। और यहाँ से आप इसकी ऑन पेज ऑफ पेज SEO डिफ़िकल्टी भी देख सकते हैं, पर इस कीवर्ड के अंदर बहुत पोटेंशियल है फ्रेंड्स, इसकी जो इतनी सर्चेज हो रही है और कंपटीशन इसमें बिल्कुल नील दिखा रहा है, ऑलमोस्ट आप देखेंगे सबके अंदर कंपटीशन 0 है।
अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन कीवर्ड्स को आपने कैसे यूज करना है। अगर आपने मेरा कल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें फ्रेंड्स आपको मैंने कुछ डिटेल्स बताई है, प्लस अपने प्रीवियस वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसका लिंक दूंगा मैं, जिससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ। ये है गुड मॉर्निंग इमेजेस। अभी जो हम देख रहे थे वो गुड मॉर्निंग फोटोज का देख रहे थे, और एक पेज आप गुड मॉर्निंग इमेजेस से भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग इमेजेस जो है इसकी जो मंथली सर्चिस है वो 18 लाख से भी ज़्यादा है, CPC 0.08, और कंपटीशन इसका बिल्कुल जीरो शो कर रहा है। और यहाँ पे भी हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, आप देखेंगे गूगल एड्स का जो कीवर्ड टूल है उसके अंदर भी सेम वही मंथली सर्चिस शो कर रहा है, 18 लाख से भी ज़्यादा, कंपटीशन लो है, CPC आपको 50 पैसे से लेके 1.65 रुपये तक मिलेगा। पर इतना हाई ट्रैफिक आने के बावजूद फ्रेंड्स, अगर CPC आपको कम भी मिल रहा है, क्लिक्स हो रहे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट उतना ही पड़ेगा जितना कम ट्रैफिक में हाई CPC होता है। और यहाँ पे पेज को नीचे करेंगे तो फ्रेंड्स आप देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उन सबकी मंथली सर्चिज अच्छी खासी है, और सबका कॉम्पिटिशन ऑलमोस्ट लो है। यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे मंथली सर्चिज कितनी ज़्यादा है इसकी, और उसका जो कॉम्पिटिशन है ऑलमोस्ट सबका लो है। तो फ्रेंड्स इससे आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। और मेरे पास ये भी कमेंट आता है, भाई आप हमें तो बताते हो, आप क्या अपने लिए करते हो? तो फ्रेंड्स मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जो चीज़ मैं करता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जिससे मेरी तो अर्निंग हो प्लस आपकी भी उससे अर्निंग हो। मैं अपने पास ऐसा कोई सीक्रेट नहीं रखता, जैसे ही मुझे कोई अच्छा कीवर्ड टूल या कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है, नॉलेज मिलती है, मैं वो आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करता हूँ जिससे आपकी अर्निंग जल्दी से जल्दी और काफ़ी अच्छी हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कीवर्ड की तरफ। वो थोड़ा कीवर्ड हटके है, आप उससे एक वेबसाइट तो नहीं बना सकते, पर हाँ एक अच्छा खासा पेज या पोस्ट लिख सकते हैं जिससे आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। और वो वाला कीवर्ड है हमारा पेटीएम बिजनेस। यहाँ पे मेरे को कैप्चा फिल करना पड़ेगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे पेटीएम बिजनेस यहाँ पे 90,000 मतलब 90,000 प्लस इसका वॉल्यूम शो कर रहा है, CPC इसका 0.64 है, और कंपटीशन इसका 0.04। अब इसी कीवर्ड को हम गूगल कीवर्ड प्लानर टूल के अंदर चेक करेंगे, इसमें आपको ट्रैफिक में थोड़ी वेरिएशन मिलेगी। जैसे ही मैंने गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करा तो आप देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ 74,000 का ट्रैफिक शो कर रहा है, और यहीं पे 90,000 प्लस का ट्रैफिक शो कर रहा है। कंपटीशन यहाँ पे भी लो है, CPC आपको इधर भी अच्छा मिलेगा। तो अगर आप एक पेज बना ले अपनी वेबसाइट के अंदर पेटीएम मर्चेंट से रिलेटेड, पेटीएम बिजनेस से रिलेटेड, तो एटलीस्ट उस पेज की वजह से आपकी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर अभी आपने इनिशियली अपनी वेबसाइट क्रिएट करी है टैक्स से रिलेटेड या किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, तो आप इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ इन कीवर्ड्स के बाद आपने करना क्या होता है, मतलब आपको कीवर्ड्स तो मिल गए, उसके बाद आप क्या करेंगे। अगर आपने मेरा फ्रेंड्स ये अपकमिंग मूवीज़ वाला वीडियो देखा होगा तो इसके अंदर मैंने थोड़ी हिंट दी है कि आप कीवर्ड की प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे चैनल में जाएंगे, ये सर्च का बटन है, यहाँ पे आपने लिखना है कीवर्ड प्लेसमेंट, और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। आप ये जो फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसके स्टार्टिंग में मैंने कुछ टिप्स बताई है कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड, और उसके बाद कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करनी चाहिए उसके बारे में मैंने डिटेल्स में बताया है। अगर आपके पास एक आर्टिकल है उसके अंदर आप कीवर्ड की प्लेसमेंट कैसे करेंगे, उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो ज़रूर देखें, और यहीं सर्च बार में आपने लिखना है ऑन पेज SEO, और उसके बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। उस आर्टिकल का आप ऑन पेज SEO कैसे करेंगे, जो आपके पास आर्टिकल है, तो आप मेरे ये दोनों वीडियोस देख सकते हैं, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि एक कीवर्ड लेने के बाद आपके पास अगर एक कीवर्ड है उसके बाद उसकी प्लेसमेंट कैसे करनी है, और आर्टिकल का ऑन पेज SEO कैसे करना है जिससे आपकी वेबसाइट, वो वेब पेज आपका गूगल के अंदर जल्दी से जल्दी रैंक करें। तो आपने इन कीवर्ड्स को देखा फ्रेंड्स, इनका CPC, कंपटीशन और इनका मंथली सर्चिस, वो सारी मैंने चेक करा दी है। आपके पास अगर अपना कोई टूल है तो उसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट है तो ही आप इन कीवर्ड्स पे काम करें, नहीं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं बहुत जल्दी फिर से मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।